सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन एन एस भोले एडिट। सो गाइज, आज का न्यू एडिटिंग कंसेप्ट हम करेंगे महाशिवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग। तो गाइज, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ऐसी ही न्यू एडिटिंग वीडियो सीखने के लिए। तो चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो गाइज, मोबाइल के होम स्क्रीन में आ चुके हैं। अब आपको पिक्सआउट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद गाइज, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहाँ से फोटोस, पीएनजी, बैकग्राउंड सब मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए गाइज। तो चलिए हम उस महादेव वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं गाइज। सिलेक्ट करने के बाद गाइज, अब आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। यहाँ से ऐड फोटोस पर जाएंगे। ऐड फोटोस पर जाकर हम लोग अपने फ़ोटो को ऐड करेंगे। तो गाइज, देख सकते हैं मेरा फ़ोटो कुछ पहले इस टाइप का शूट किया था और इरेजर करने के बाद कुछ इस टाइप का हो गया है गाइज। तो आप सब इरेजर करना चाहेंगे तो इजीली कर सकते हैं, या फिर ऊपर वाले आइकन पर जो इरेज दिख रहा है ऊपर करके यहाँ से ऐसे इरेज कर सकते हैं। या फिर एक और ट्रिक है गाइज, जो यहाँ से स्क्रॉल करके जाएंगे, डाउन साइड में कटआउट वाला आइकन है, यहाँ पर जाकर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से इरेजर हो जाएगा। तो आप दो मेथड से कर सकते हैं, जिस मेथड को आपको चूज़ करना है वो चूज़ करके कर सकते हैं गाइज। तो चलिए हम लोग इरेजर वाले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा बहुत वाइट पार्ट है तो इसको भी हम लोग इरेज कर लेंगे। ऊपर इरेजर वाले आइकन पर जाकर हार्डनेस को 100% प्लस करके और साइज को अपने हिसाब से रख कर यहाँ से कर लेते हैं। और हैंड पर भी है, यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे गाइस। इसके बाद हम लोग कर देंगे डन। अब डन करने के बाद यहाँ डाउन साइड में आएंगे और छोटा करके यहाँ पर लगा लेंगे गाइस, थोड़ा और छोटा कर लेंगे। अब करने के बाद गाइस, यहाँ से डन कर देंगे हम लोग। तो गाइज, जब हम लोग जाएंगे फिर से ऐड फोटोज पर और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे ऑरेंज कलर का। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद गाइज, यहाँ से ऊपर की साइड में शर्ट पर ऐसे क्लिक करके और यहाँ से स्क्रॉल करके जाएंगे हम लोग ब्लेंड वाले आइकन पर और स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद मल्टी प्लस कर देंगे। मल्टी प्लस करने के बाद गाइज, यहाँ से हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाले आइकन में आएंगे और यहाँ से साइज को, अमाउंट को यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 24+। इसके बाद डन कर देंगे गाइज। अब डन करने के बाद यहाँ से इरेजर वाले आइकन पर जाएंगे। इरेजर वाले आइकन पर जाने के बाद यहाँ से इनवाइट कर देंगे। इनवाइट करने के बाद रिस्टोर ब्रश को सेलेक्ट करके हार्डनेस को 99% रख लेंगे हम लोग और साइज को अपने हिसाब से रख के ऐसे सेट पर ड्रॉ करके चलाएंगे तो सेट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा गाइस। तो आप सभी को कुछ इस हिसाब से कर लेना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ इसलिए इसको फास्ट कर देता हूँ और आप सब कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसको फास्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है आसान तरीके से, देख सकते हैं आप सभी। अब इसके बाद यहाँ से कर देंगे हम लोग डन। देन हम लोग डन करने के बाद देन फिर से हम लोग जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव वाले आइकन पर और इसके ह्यू को चेंज कर लेंगे हम लोग, लगभग कुछ इस हिसाब से रख लेंगे हम लोग और सिचुएशन को प्लस कर लेंगे और क्लैरिटी को थोड़ा दे देंगे हम लोग और कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा माइनस कर लेंगे और टेम्प को प्लस कर लेंगे गाइस। अब इसके बाद हम लोग कर देंगे डन। देन फिर से कर देंगे डन। अब डन करने के बाद गाइस, जब हम लोग जाएंगे फिर से ऐड फोटोज पर और इस बार यहाँ से ये जो टीका का पीएनजी है इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर और अमाउंट को थोड़ा कम कर लेंगे हम लोग।
इसके बाद यहाँ से डन कर देंगे, देन फिर से एड फोटोज पर जाएंगे। इस बार फ्लैग पीएनजी ले लेंगे और यहाँ से कवच का पीएनजी ले लेंगे। फ्लैग पीएनजी को यहाँ से लेफ्ट साइड में लगा लेंगे हम लोग यहाँ पर, और कवच वाले पीएनजी को यहाँ पर लगा लेंगे गाइस ऐसे करके। और इरेजर वाले आइकन पर जाकर, इरेज पर जाकर 100% हार्डनेस को और साइज को अपने हिसाब से रखकर यहाँ पर ऐसे इरेज कर लेंगे। तो देख सकते हैं गाइज हो चुका है। इसके बाद देन डन कर देंगे, फिर से एड फोटोज पर जाएंगे और इस बार फिर से त्रिशूल का पीएनजी और शिवलिंग का पीएनजी ऐड कर लेंगे। तो त्रिशूल का पीएनजी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे डाउन साइड में और शिवलिंग का पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। थोड़ा ऐसे ऊपर के साइड का खींच के इसे डाउन साइड कर लेंगे इसे, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे गाइस और ऐसे कर लेंगे। अब हो चुका है परफेक्ट तरीके से, इसको डन कर देंगे। अब डन करने के बाद देन फिर से एड फोटोज पर जाएंगे गाइस और इस बार फिर से एक फ्लैग का पीएनजी ले लेंगे हम लोग और एक और फ्लैग का पीएनजी। इसको लेने के बाद दोनों को एक डाउन साइड में यहाँ पर लगा लेंगे, एक ऊपर की साइड में यहाँ पर लगा लेंगे जैसे लग रहा हो कि उड़ता रहे। तो गाइस यहाँ पर ऐसे कर लेना है आप सभी को। करने के बाद देख सकते हैं एडिटिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है गाइस। अब आगे का एडिटिंग करेंगे हम लोग लाइट रूम में, तो फोटो कर लेते हैं हम लोग सेव और वीडियो करते हैं क्लोज। लाइट रूम को कर लेना है, तो गाइस लाइट रूम को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद ऑल फोटोज पर जाना है और अब जिस फोटो को एडिट किए थे उसको ऐड कर लेना है। एड करने के बाद गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्रीसेट का लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस प्रीसेट को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर जाकर कॉपी सेटिंग करना तो जानते ही होंगे आप सब, डाउन कर दीजिएगा। इसके बाद अपने फ़ोटोज़ पर आइएगा और थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं बहुत चेंजेज आ चुकी है बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी न्यू एडिटिंग सीखने के लिए।